हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अब आपको पता है कि जो एंड पॉइंट्स ऑफ अ कोण होती हैं, डायमीटर सर्कल के डायमीटर के अलावा जो कोण के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर्क कोण दो आर्क्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आ जाती है मेजर आर्क और एक आ जाती है माइनर आर्क। लेकिन जो डायमीटर ऑफ सर्कल्स के जो एंड होते हैं वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में, सेमी सर्कल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट दे आर मोर देन जस्ट इक्वल इन लेंथ। लेकिन जो मेजर और माइनर आर्क होती हैं वो क्या होती हैं, मोर देन जस्ट इक्वल इन लेंथ होती हैं, और वो एक लिहाज से कंग्रेंट भी होती हैं। क्योंकि अगर आप एक आर्क को दूसरी आर्क के आप ऊपर कवर रखो तो आपको पता चलेगा कि विदाउट बेंडिंग और ट्विस्टिंग वन सुपर इम्पोजिस द अदर, ठीक है। एक जो है वो दूसरे को सुपर इम्पोज करती है। नेक्स्ट आप देखते हो कि बाय कटिंग द आर्क कोरस्पोंडिंग टू कोण सी डी फ्रॉम द सर्कल अलोंग सी डी एंड पुट इट ऑन द कोरस्पोंडिंग आर्क मेड बाय इक्वल कोण ए बी। अब आपने क्या करना है, आर्क को कट करना है विच इज सी डी, ठीक है, और आपने इसको ए बी के अलोंग सर्कल के अलोंग पुट करना है। तो आपको क्या पता चलेगा, यू विल सी दैट द आर्क सी डी, ये जो आर्क सी डी है ये क्या है, सुपर इम्पोज द आर्क ए बी कंप्लीटली, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है कि इक्वल कोर्ड्स जो होती हैं वो मेक कंग्रेंट आर्क्स बनाती हैं, एंड कन्वर्सली कंग्रेंट आर्क्स जो होती हैं वो मेक इक्वल कोर्ड्स ऑफ सर्कल्स बनाती हैं। मतलब ये कि जो इक्वल कोर्ड्स होती हैं वो कंग्रेंट आर्क्स बनाती हैं, और कन्वर्सली कंग्रेंट आर्क्स जो हैं वो सर्कल के इक्वल कोर्ड्स बनाती हैं, ओके। तो इससे हमारे पास जो थ्योरम आता है विच सेज दैट इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग आर्क्स आर कंग्रेंट, एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कंग्रेंट देन देयर कोरस्पोंडिंग कोर्ड्स आर इक्वल। मतलब कि अगर एक सर्कल की दो कोर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग आर्क्स इक्वल होंगी, और कन्वर्सली अगर एक सर्कल की दो आर्क्स कंग्रेंट है तो उनकी जो होंगी कोरस्पोंडिंग कोर्ड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अब आपको पता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डिफाइंड टू बी एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पोंडिंग कोर्ड एट द सेंटर इन द सेंस दैट द माइनर आर्क सबटेंड्स द एंगल एंड द मेजर आर्क सबटेंड्स द रिफ्लेक्स एंगल। क्या मतलब, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर की डेफिनेशन ये है कि अगर एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पोंडिंग आर्क जो कि सेंटर पे बांध रहा है, इन द सेंस कि मेजर माइनर आर्क जो है वो एंगल को सबटेंड करती है और जो मेजर आर्क है वो रिफ्लेक्स एंगल को सबटेंड करती है, तो इससे हमारे पास जो एंगल आता है वो कौन सा होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर होता है, ठीक है। अब आप इस फिगर में देखो कि एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क पी क्यू एट ओ इज बेसिकली एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, और जो एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क विच इज दिस वन, ओके, वो एट पी क्यू एट ओ इज बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी ओ क्यू। देखो जो एंगल जो है, एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क, ये जो पी क्यू माइनर आर्क है इससे का जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कौन सा है, ओ पे जो हो रहा है वो पी ओ क्यू है, ठीक है, और जो एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क विच इज दिस वन रिमेनिंग पी क्यू एट ओ वो कौन सा है, वो बेसिकली पी ओ क्यू का रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। अब इन व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अबव एंड थ्योरम 110.1 हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, वो दिस वन विच सेज दैट कंग्रेंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, के जो सर्कल की कंग्रेंट आर्क्स होती हैं वो इक्वल एंगल्स को सेंटर पे सबटेंड करती हैं। इसीलिए आप कह सकती हो कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कोण ऑफ अ सर्कल एट सेंटर इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पोंडिंग आर्क एट द सेंटर, कि एंगल सबटेंडेड सर्कल के एंगल सबटेंडेड बाय अ कोण सेंटर पे अगर वो सबटेंड कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पोंडिंग माइनर आर्क, ठीक है। तो हमारे पास थ्योरम 10.8 आता है विच सेज दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स दैट कि अगर एंगल जो है वो सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर है वो क्या है, डबल द सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट है, तो वो जो क्या होगा, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वो बेसिकली एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क जो सेंटर पे सबटेंड करेगा वो डबल होगा जो कि सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे या किसी भी पॉइंट पे वो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल, आपके पास ये आर्क पी क्यू है ऑफ द सर्कल, सबटेंडेड एंगल्स पी ओ क्यू एट सेंटर ओ, ठीक है, पी ओ क्यू आपके पास जो एंगल है वो ओ पे सबटेंड कर रहा है, एंड पी ए क्यू जो है दिस वन,
ये कहाँ सबटेंड कर रहा है, एट पॉइंट ए पे सबटेंड कर रहा है, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि जो पी ओ क्यू है ये किसके इक्वल है, टू ऑफ एंगल पी ए क्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, अब थ्री डिफरेंट केसेस अज्यूम करो। फर्स्ट वन पे आप क्या लो, एन आर्क पी क्यू इज माइनर। नेक्स्ट आप सपोज करो केस एन आर्क पी क्यू इज अ सेमी सर्कल, एंड नेक्स्ट आप सपोज करो एन आर्क पी क्यू इज अ मेजर। देखो यहाँ आपने क्या सपोज किया, पी क्यू माइनर आर्क है। नेक्स्ट में आपने सपोज किया कि पी क्यू जो है वो आपके पास सेमी सर्कल है क्योंकि वो डायमीटर है, ठीक है। और थर्ड केस का आपके पास क्या है, पी क्यू जो है वो मेजर आर्क है, दिस वन, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने ज्वाइन ए ओ करना है, ए को आपने ओ से ज्वाइन कर लेना है हर फिगर में, और इसको पॉइंट बी तक एक्सटेंड करना है। इस अब आप इन तमाम केसेस में आपके पास क्या होगा, एंगल बी ओ क्यू, दिस एंगल बी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू दिस वन प्लस एंगल ए क्यू ओ, ठीक है। हर फिगर में ये बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ। अब आपको पता है कि ऑल्सो इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, ओ ए किसके इक्वल है, ओ क्यू के, क्योंकि ये आपके पास क्या आ रहा है, रेडियस है। हमें पता है कि थ्योरम 7.5 के अकॉर्डिंग एंगल ओ ए क्यू किसके इक्वल है, एंगल ओ क्यू ए के। इससे हमें क्या मिलता है, एंगल बी ओ क्यू किसके इक्वल आ जाता है, टू ऑफ एंगल ओ ए क्यू के। सिमिलरली यू कैन राइट एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी। अब आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को एड कर लो, तो आपके पास आ जाएगा एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, टू ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस टू ऑफ एंगल ओ ए क्यू, ठीक है। सो दिस इज द सेम एज एंगल एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू टू एंगल पी ए क्यू, ठीक है। अब आप केस थ्री में आपके पास वेयर पी क्यू जो है मेजर आर्क है इज रिप्लेस्ड बाय रिफ्लेक्स एंगल, तो पी ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, टू एंगल पी ए क्यू के इक्वल। अब हम एक रिमार्क देखते हैं, आप सपोज करो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आप दो पॉइंट्स पी और क्यू को ज्वाइन करते हो, ये आपके पास पी और क्यू है, ठीक है। From a chord PQ in the above figures, दो आपके पास जो एंगल पी ए क्यू है इसको आप क्या कह सकते हो, द एंगल फॉर्म्ड इन द एंगल इन द सेगमेंट पी ए क्यू पी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8, ए कैन बी एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सो इफ यू टेक एनी अदर पॉइंट सी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मीन्स दैट के ए जो है वो सर्कल पे कोई भी पार्ट, ए जो है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर आप एक अदर पॉइंट सी लेते हो तो वो क्या होगा, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू टू एंगल पी सी क्यू विच इज इक्वल टू टू एंगल पी ए क्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी सी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए क्यू के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 10.9 है विच सेज दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, के मतलब अगर एक ही सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आप कह सकते हो एंगल पी ए क्यू जो है वो एक एंगल है इन द सेगमेंट विच इज अ सेमी सर्कल, तो यू कैन राइट एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी ए क्यू, पी ओ क्यू विच इज इक्वल टू 1/2 एंगल 180 डिग्री। 2 को आप 180 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो एंगल पी ए क्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ओके। अगर आप कोई पॉइंट लेते हो सेमी सर्कल पे, कोई पॉइंट सी लेते हो अगेन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल पी सी क्यू 90 डिग्री आ जाएगा, तो आपके पास जो सर्कल की अनदर प्रॉपर्टी आप फाइंड करोगे विच सेज दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कि सर्कल सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री होता है, राइट। विथ नेक्स्ट इज थ्योरम 10.10 विच सेज दैट इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, अगर एक लाइन सेगमेंट जो है जो कि दो पॉइंट से मिल रहा है, ठीक है, और वो जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल एंगल्स पे, दो पॉइंट्स पे इक्वल एंगल्स पे सबटेंड करता है, विच आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, जो कि जो पॉइंट्स हैं वो सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, और उसमें लाइन सेगमेंट भी आ रहा है, द फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो फोर पॉइंट्स हैं वो क्या है, लाई ऑन अ सर्कल, इट्स मीन्स दैट दे आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हो कि ये थ्योरम ट्रू है या फॉल्स, ए बी आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट है विद समटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू पॉइंट सी एंड डी, सी एंड डी पे वो जो है वो क्या कर रहा है, दो एंगल्स को सबटेंड करता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए डी बी के, टू शो दैट पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्कल, देखो आप चार पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल बनाना है थ्रू पॉइंट्स ए सी बी, सबसे पहले आपने ए सी और बी में से एक सर्कल बनाना है, ठीक है, ड्रॉ करना है।
अब आपने सपोज करना है डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट डी, ठीक है, सपोज कर लो ए सी बी में से जो है वो सर्कल पास कर रहा है लेकिन पॉइंट डी में से सर्कल पास नहीं कर रहा, आप क्या करो, देन इट विल इंटरसेप्ट ए डी और एक्सटेंडेड ए डी एट पॉइंट से ई. इसका मतलब ये है कि अगर वो ए डी को डी पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, डी पे कुछ ज्वाइन नहीं कर रहा, तो जो इट विल इंटरसेक्ट ए डी, ठीक है, तो ये ए डी पे इंटरसेक्ट करेगा और यू कैन एक्सटेंड ए डी. तो आपके पास अगर पॉइंट्स ए सी ई हैं और बी जो है वो लाइक कर रहे हैं सर्कल पे, तो आपके पास एंगल किसके ए सी बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए बी के. लेकिन आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि ए सी बी जो है वो एंगल ए डी बी के इक्वल है, देयर फोर यू कैन राइट एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अनलेस ई कोइंसाइड्स विद डी, जब तक ई जो है वो डी के इक्वल या डी के कोइंसाइड नहीं आता तब तक ये एंगल पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली ई डैश शुड ऑल्सो कोइंसाइड डी, तो इसका मतलब यह है कि ई डैश को भी डी के साथ कोइंसाइड करना होगा, ठीक है, तब जाके एंगल ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी बी के. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ कॉल्ड साइक्लिक. ये जो ए बी सी डी जिसके क्वाड्रिलेटरल वही होती है जिसकी चार साइड्स होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारे पास साइक्लिक तब होगी इफ ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल. अगर इसकी जो क्वाड्रिलेटरल के फोर वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो तब उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. अब अ पेक्यूलर प्रॉपर्टी इन सच क्वाड्रिलेटरल्स क्या है कि हम देखते हैं ड्रॉ सेवरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के, इस तरह की आप सेवरल क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करो, ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइड्स एंड नेम ईच ऑफ दिस साइड्स एट ए बी सी डी. हर दफा आपने साइड्स को ए बी सी डी नाम देना है, ठीक है. अब आप देखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल. सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल, निग्लेक्टिंग द एरर्स इन द मेजरमेंट्स. अगर आप एरर्स को निग्लेक्ट कर दो मेजरमेंट में जो हमें मिलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल है. सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है. तो हमारे पास जो थ्योरम 10.11 है विच सेज दैट द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. मतलब ये है कि ऑपोजिट पेयर ऑपोजिट एंगल्स जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है. अब आप इसका कन्वर्स क्या लिख सकते हो कि इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. सो द कन्वर्स ऑफ थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर.